हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि समय से पहले लिस्ट हो रहा है जोमेटो का आईपीओ आज की डेट में आपको मिल गया होगा, तो आप देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। कहाँ चेक करना है अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आप लिंक इन टाइम पे जाके यहाँ पर आप इनका अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। जोमेटो का आईपीओ यहाँ पर पैन नंबर डालना है और आपको पता चल जाएगी। मुझे यहाँ पर मिल चुका है ये आईपीओ, 2 अप्लाई किए थे, 1 मुझे मिला है। तो अगर बात करें कल की स्ट्रेटेजी क्या होगी और कल ये आईपीओ लिस्ट हो रहा है तो किस प्राइस पे यहाँ पर लिस्ट हो सकता है, जीएमपी क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। बाकी 2 वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक में नहीं रहती, बस सिखाने का मकसद रहता है। तो आपको सीखना है, अपने फ्रेंड्स को सिखाना है, उन्हें वीडियो अपन यहाँ पर अगर बात करें प्ले लिस्ट दिखानी है, यहाँ पर वीडियोज दिखानी है, उनको सब्सक्राइब कराएं, उनसे भी कहिए। साथ में आप लोग, आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे ये सब चीज तो अच्छा खासा नॉलेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर जोमेटो लिस्टिंग ऑन फ्राइडे, मतलब कल के दिन में फ्राइडे हो सकता है, अभी भी क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। बट यहाँ पर अगर बात करें गियर मार्केट प्रीमियम क्लाइम्स टू 35%। क्यों 35% हो गया, जहां पर अभी केवल 9 रुपए 10 रुपए चल रहा था, फिर 20 हुआ, फिर अभी बात करें तो 35% का यहाँ पर लिस्टिंग गेन हो सकता है जोमेटो के लिस्टिंग ऑन फ्राइडे। तो अगर बात करते हैं कैसे, क्यों ये ऐसा हो रहा है, तो अगर बात करें इनके जो कंपनी के जो मेंबर्स है उन्होंने आके यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर एक कल होता हुआ लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी, तो यहाँ पर निफ्टी देख लीजिए आज की डेट में क्या भागता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर अगर सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स किस तरीके से यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सारी चीजें बताती है कि ऐसा यहाँ पर कम अभी शेयर जो थोड़ी बहुत गिरावट थी वो हो चुकी है, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आईपीओज हो या फिर शेयर हो वो भागते हुए दिखाई देंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 27 को यहाँ पर लिस्टिंग होनी थी, बट बिफोर दैट उससे ही पहले यहाँ पर कल की डेट में 23 जो तारीख है यहाँ पर ये जोमेटो का आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर बात करें यहाँ पर कल आपको ईगरली यहाँ पर वेट भी करना है और यहाँ पर नजरें बना के रखनी है। अगर बात करें इसके जीएमपी की, तो यहाँ पर देखिए कमांडिंग है प्रीमियम ऑफ 22 to 25 रुपीज का यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है। तो अगर 76 रुपीज का यहाँ पर प्राइस है, अगर 25 भी हम ले लेते हैं हाईएस्ट एवर अगर पकड़ के चलते हैं, तो लगभग 100 रुपए 101 रुपए के आसपास यहाँ पर लिस्ट हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 33 to 35% का यहाँ पर प्रीमियम के साथ ये यहाँ पर लिस्ट हो सकता है। अब कल की अब यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर भी सारी मनी कंट्रोल, द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस, यहाँ पर सब में बताया यही चीज कि जोमेटो आईपीओ शेयर्स अलॉटमेंट फाइनलाइज सेट टू लिस्ट ऑन बोर्सेस टुमारो, मतलब कल बाजार में यहाँ पर ये लिस्ट हो सकता है। 35% का यहाँ पर ये क्लाइंब हो गया इनका, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर फ्राइडे को लिस्ट हो रहा है। तो इसी चीज से रिलेटेड अब कल की नीति क्या होनी चाहिए, देखिए हमें हमेशा पास्ट से सीखना चाहिए। पास्ट से सीखने का मतलब कि प्रीवियस चार्ट, बट इसका तो कोई प्रीवियस चार्ट नहीं है, बट इससे रिलेटेड एक कंपनी है, आईपीओ से रिलेटेड क्या क्या होता आया है वो चीज़ हमें बताती है कि मार्केट में किस तरीके से चीज़ें चलती है, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एक और पर्टिकुलर शेयर का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेते हैं बर्गर किंग। तो यहाँ पर देखिए बर्गर किंग का जो आईपीओ था 115 रुपए के आसपास यहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। 60 रुपए का इशू प्राइस था, सेम सिमिलर इसी की तरह। यहाँ पर अगर बात करें उसके बाद यहाँ पर जो ये शेयर था अच्छा खासा इसे भगा के ले गए। यहाँ पर अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं आज के दिन में, देखिए 83% पे 83 रुपीज पे चल रहा है। बट अगर यहाँ पर हम हिस्ट्री देखते हैं तो यहाँ पर देखिए बर्गर किंग का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब ये शेयर आया उसके बाद इसे एक दिन भगाया, उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पर इसे इस तरीके से भगाया, और तीसरे दिन यहाँ भगाया, चौथे दिन यहाँ पर ऊपर भगा के यहाँ पर इसे डंप कर दिया और इस शेयर को यहाँ पर नीचे लेके आए। उसके बाद ये शेयर अच्छा खासा करेक्ट होकर 125 रुपीज के आसपास की रेंज में आया था। उसके बाद अगर बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर गेन बर्गर किंग में होता हुआ नजर आया। तो हमें इसका, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि दूसरे आईपीओस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो अच्छा खासा हमें पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए 35 पर आज भी अगर बात करें इसके लो से तो 45% का यहाँ पर गेन दे चुका है, जो कि अच्छा खासा गेन है। तो अब हम जोमेटो में क्या हो सकता है, तो जोमेटो में अगर बात करें तो यहाँ पर 105 के आसपास, सॉरी 100 रुपीज के आसपास यहाँ पर शेयर लिस्ट हो सकता है। उसके बाद अगर जो लिस्ट होता है तो शायद थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउन आ सकता है 80 रुपीज 90 रुपीज तक। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि कोई भी आईपीओ ले लीजिए, मैंने आज तक जितने भी आईपीओ में यहाँ पर देखा है ओके मिले नहीं है, बट उसके बाद जो उसके आसपास लिस्ट हुए तो यहाँ पर जिस पे प्राइस पर लिस्ट होते हैं उसके 10 रुपए या 5 रुपए अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस यहाँ पर नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। और जब ये शेयर नीचे आए तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, वहाँ पर आपको खरीद लेना है, बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहले बता देता हूँ। जो मैं करने वाला हूँ वो आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आईपीओ तो अलॉटमेंट हो गया है, तो यहाँ पर आईपीओ को तो रखना ही है क्योंकि इसका यहाँ पर ये शेयर 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर डबल करके दे देगा ये पैसा, तो डरने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर देखें तो शेयर देखिए थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं आई विल ट्राई टू एड ऑन मोर। अगर 76 पे यहाँ पर नीचे आ जाता है 76 तक 80 रुपीज तक तो मैं और यहाँ पर ऐड करूंगा। और इसके बाद अगर बात करें तो देखिए अगर इस तरीके से यहाँ पर चलता हुआ नजर आता है, 2-3 दिन भागता है तो सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर हम धीरे धीरे हर एक दिन यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। आपको भी सलाह रहेगी कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते रहिए। बाकी अपॉर्चुनिटी देखिए जितने भी शेयर है चाहे कोई भी आईपीओ आया हो नीचे आता ही है ओके, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन भागता है तो सीधे सीधे भागता ही चला जाता है, सीधे कर्व रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पर अगर बात करें आईपीएल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी शेयर आया था, यहाँ पर आप देखिए अच्छा खासा ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे भी आया है, फिर आज की डेट में फिर ऊपर है। इसके अलावा आपको हम बात करें सोना BLW की तो यहाँ पर देखिए ये भी शेयर आया, यहाँ पर अच्छा खासा गेन दिया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर आज की डेट में चल रहा है। इसके अलावा और भी अगर मैं आपको बात करूँ श्याम मेटालिक की, यहाँ पर ये शेयर है तो हर एक शेयर यहाँ पर नीचे आता ही है। आईपीओ में जब थोड़ा बहुत ऊपर जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी, आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर शेयर 100 के आसपास भी मिलता है तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग ओके। और अच्छा खासा पैसा यहाँ पर Zomato में आपका बनता हुआ दिखाई दे सकता है। स्मॉल टाइम के पर्पज से आपको रखना है कि आपने लिया फिर नीचे सॉरी ऊपर भाग गया 10-15% तो आपने बेच दिया, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो नीचे आता है तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म में रखने के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब है मेरा 6 मंथ 1 साल ओके, 6 मंथ टू 1 ईयर। अगर 6 मंथ टू 1 ईयर आप रखते हैं तो शेयर प्राइस जो 70 अगर 100 रुपीज के आसपास भी ये लिस्ट होता है समझ लेते हैं, तो अगर ये 100 रुपीज से लिस्ट होके जाता है अच्छा खासा ये ऊपर भागता है तो एक अपॉर्चुनिटी दोबारा बनती हुई नजर आएगी। तो इस चीज को आपको समझना है क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो थोड़े देर बाद जैसे कोई भी आईपीओ आता है तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर बिकवाली शुरू हो ही जाती है। QIB होते हैं जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं वो सबके बेचने लग जाते हैं, बट इस आईपीओ में अच्छा खासा लोगों ने पैसा लगाया है। तो यहाँ पर अगर Zomato की बात करूं तो ये अच्छा खासा भागता हुआ आपको दिखाई दे सकता है और अच्छा खासा पैसा आपका विद इन अ फ्यू टाइम ऑफ पीरियड आपका बनता हुआ नजर आएगा। दुगना तो होना ही है और शायद तिगना भी हो जाए, तो इसलिए बेशक से कोई भी देखिए मार्केट को इसका जो पी रेशो है उससे कोई दिक्कत नहीं है ओके, भगा रहे हैं चाहे कोई भी शेयर हो। इसके अलावा ऑपरेटर इसमें एक्टिव है, हर कोई यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, तो यहाँ पर समझने की जरूरत है। बाकी ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा मेरे अकॉर्डिंग, और मैं इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू दूसरे शेयरों में भी मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गेन लिया है। ऑन द डे ऑफ आईपीओ नहीं भी मिला है फिर भी हमने यहाँ पर कमाया। और दोबारा अगर बात करें Zomato में भी इसी तरीके से आईपीओ मिला भी है, बट नहीं भी मिलता तो भी मैं दोबारा यही स्ट्रेटेजी अपनाता और आज भी कल भी मैं यही स्ट्रेटेजी अपनाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।